हेलो एवरीवन। देखिए फाइनली आज सीयूटी एमबीए फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम जो है ये ओवर हो गया है एंड कंटिन्यू जो है मिक्स रिव्यू आ रहे हैं। 20% ऐसे बच्चे हैं जिनके 35 के आसपास क्वेश्चन सही हो रहे हैं, अटेम्प्ट नहीं इतने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। 50% बच्चे ऐसे हैं जिनके 55 के अराउंड क्वेश्चन सही हो रहे हैं। 25% बच्चे ऐसे हैं जिनके 55 से 65 के आसपास क्वेश्चन सही हो रहे हैं। एंड 5% के आसपास ऐसे बच्चे हैं जिनके 70 के अराउंड क्वेश्चन जो है ये सही हो रहे हैं। ठीक है, पेपर जो है पिछली बार से थोड़ा टफ भी था, थोड़ा लेंदी भी है इस बार का पेपर। एंड आपने लैंग्वेज में देखा होगा हिंदी में आई थिंक 3 पैसेज आए थे, तो थोड़ा सा लेंदी भी था ये। एंड बहुत सारे स्टूडेंट को जो क्वांट के क्वेश्चन है ये आउट ऑफ सिलेबस लगा होगा। अगर आप पिछले 2 से 3 महीने से अगर आप अभी कॉन्सेप्ट यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम चैनल को आप फॉलो कर रहे होंगे आपके साथ ये दिक्कत नहीं आई होगी। हेलो एवरीवन, देखिए सीयूटी एमबीए 2023 के लिए जो है ऑफिशियल सिलेबस आ गया है। सिलेबस में कुछ मिस्टेक है इस बार, एनटीए की तरफ से कंटिन्यू मिस्टेक हो रहा है स्पेशली एमबीए को लेके। एंड एक डाउट जो है सिलेबस को भी लेके था, उसको भी डिस्कस करते हैं। इस बार आप देखिए मैथ्स का सिलेबस जो है ना ये हाफ हो गया है, टोटल 9 चैप्टर हैं। तो ये रियली में हाफ हुआ है कि ये प्रिंटिंग मिस्टेक है? तो देखिए टोटल 5 मॉक में से केवल एक मॉक ऐसा होगा ना जो इस पैटर्न पे होगा जिसमें सिर्फ इस 9 चैप्टर से क्वेश्चन होंगे। ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम चांसेस हैं कि इसमें कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक है, इसीलिए जो नेक्स्ट 4 मॉक होंगे उसमें जो है इसका जो पैटर्न होगा ना ये बिल्कुल प्रीवियस ईयर की तरह होगा। क्योंकि आप देखिए ये जो प्रीवियस ईयर ये मैथ्स का सिलेबस था, इन्होंने क्या किया है ना कि स्टार्टिंग से जो 9 के चैप्टर हैं, ठीक है आप देखिए स्टार्टिंग से 9 चैप्टर जो है इन्होंने इस बार के सिलेबस में मेंशन किया है। अगर इस बार के सिलेबस में चेंजेस होते तो अदर सेक्शन में भी चेंज होना था। इंग्लिश हिंदी उसी सीक्वेंस में है, ठीक है, लॉजिकल रीजनिंग डीआई सब कुछ उसी सीक्वेंस में आप देख सकते हैं। ठीक है, ये सब कुछ उसी सीक्वेंस में है, तो मैथ्स का सिलेबस कैसे हाफ हो जाएगा? और हाफ होना भी चाहिए तो रेंडमली होना चाहिए। इन्होंने क्या किया है, बस स्टार्टिंग के 9 चैप्टर जो है कॉपी पेस्ट, और ये जो चैप्टर है ना ये मिसिंग है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अगर रियली में हाफ हुआ है सिलेबस बहुत अच्छी बात है, ये जो 9 चैप्टर है ना इसको आप बिल्कुल बहुत अच्छे से कर लीजिए, और ये जो अदर चैप्टर भी हैं, ठीक है, ये सब हमने टेलीग्राम पे शेयर किया है, इसको भी आप जरूर देखे रहिए, कम से कम इसके बेसिक कॉन्सेप्ट तो देखे रहिए। क्योंकि अगर यहाँ से क्वेश्चन आ गया और आपने सिर्फ यही पढ़ा हुआ है तो फिर आप प्रॉब्लम में फंस जाएंगे, क्योंकि नियर अराउंड 40 क्वेश्चन आने हैं। अब यहाँ से बहुत होगा तो कितने क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, 20 के अराउंड क्वेश्चन आएंगे, 20 यहाँ से आ जाएंगे। और अगर आपने इसको नहीं पढ़ा तो 100 में 20 क्वेश्चन आप कर ही नहीं पाएंगे, ठीक है, कंपटीशन से आप बाहर। 20 क्वेश्चन आप सोचिए अगर आप स्किप कर दिए बाहर हैं आप, तो आप कम से कम सभी टॉपिक को देख लीजिए। स्टार्टिंग से 9 चैप्टर से क्वेश्चन आ रहे हैं केवल, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं, वो 9 चैप्टर आप बिल्कुल अच्छे से कर लीजिए, लेकिन इसको भी आप जरूर देखे रहिए। क्योंकि तो थोड़ा सा भी अगर आपने रिस्क लिया तो ये बहुत बड़ा रिस्क हो जाएगा। तो ये दोनों ही सिलेबस जो है हमने टेलीग्राम पे शेयर कर दिया है, ठीक है, वहां से आप इसको डिटेल देख सकते हैं। और एक इन्फॉर्मेशन और है वो ये है कि आपने इस बार के सिलेबस में देखा होगा कि मैथ्स के केवल 9 चैप्टर है, 9 टॉपिक है, इसी 9 टॉपिक से क्वेश्चन आने हैं सिलेबस में, न्यू सिलेबस में यही है। इसी वजह से जो न्यू पैटर्न का जो मॉक है ना इसमें सिर्फ 9 ही है, 9 ही चैप्टर से क्वेश्चन बने गए हैं। और ये जो 5 मॉक हम लोगों ने दिया हुआ है ये सिर्फ ओल्ड पैटर्न पे है। आपने मैथ्स में देखा होगा कि प्रीवियस ईयर नियर अराउंड 20 टॉपिक 20 चैप्टर हैं, तो जो टोटल 5 मॉक है ना वो पूरा पूरा उसमें 20 चैप्टर से ही बने हुए हैं। ये केवल 9 चैप्टर से एक ही मॉक है जो कल आपको 10 AM पे मिलेगा। हम लोगों ने पूरा पूरा 20 चैप्टर से इसलिए बनाया है क्योंकि तो पहले भी हमने आपको बताया है, क्योंकि तो हम लोगों ने आपको बताया है कि LLB में जो है ना इस एग्जाम में 25 क्वेश्चन मैथ्स से आने और टोटल 20 चैप्टर हैं। एनटीए ने इनका सिलेबस नहीं कम किया, ठीक है, लेकिन सीयूटी एमबीए में मैथ्स में 40 क्वेश्चन आने हैं और ये 9 20 से ये 9 कैसे हो सकता है? और ये 9 कौन सा हुआ है, जो प्रीवियस ईयर 20 टॉपिक थे ना स्टार्टिंग से केवल 9 हुआ। तो एनटीए आप जानते हैं ये गलती करती ही है एनटीए एजेंसी, तो अगर थोड़ा सा भी सिलेबस में चेंजेज होते तो इसमें ज्योमेट्री या कुछ और 9 कुछ भी रैंडम हो सकता था, लेकिन स्टार्टिंग से ही केवल 9 है, तो हमारे अकॉर्डिंग वो कुछ न कुछ मिसप्रिंट लग रहा है। इसीलिए हमने क्या किया है ना कि जो 5 मॉक हैं हम लोगों ने पूरा पूरा 20 चैप्टर से दिया हुआ, ठीक है।
एंड हो सकता है कि 2 से 3 क्वेश्चन, ठीक है, या 2 से 3 आंसर वो गलत हो, ठीक है, तो इसीलिए 1 मिनट से ज्यादा लगे ना तो उसको लीव कर दीजिएगा बिल्कुल। कभी कभी क्या होगा ना कि इंग्लिश में कुछ और होता है, हिंदी में कुछ और होता है, तो इस टाइप की चीजें जो है, ठीक है, आपने लास्ट ईयर देखा था ना, कुछ आंसर हिंदी से सही आ रहे थे, कुछ इंग्लिश से सही आ रहे थे, इस टाइप के क्वेश्चन में मार्किंग सबको मिलती है। बहुत सारे अच्छे बच्चों का पेपर जो है ना, ये सिर्फ मिस इन्फॉर्मेशन की वजह से खराब हो गया। क्वांट के सिलेबस के रिगार्डिंग सिर्फ यही एक ऐसा चैनल था जिसने आपको विद कंफर्मेशन ये कह दिया था कि सिलेबस आपको पूरा पढ़ना है, हाफ नहीं पढ़ना है। मॉक आपको जो है ये ऑथेंटिक जगह से आपको लगाना चाहिए था, ठीक है, आप जहां से भी आप मॉक आपने लगाया है वहां पे सब SSC एंड बैंक टाइप के क्वेश्चन अवेलेबल है, क्योंकि NTA का पैटर्न जो है ना थोड़ा सा लैंग्वेज बेस्ड होता है, इस टाइप के क्वेश्चन को आपको सॉल्व करने चाहिए थे। आपने अगर मॉक लगाया होता ना सही जगह से कम 60 से 65, ठीक है, इतने तो आप आराम से कर ले गए होते। बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं सर ये सब चीजें मालूम ही नहीं चली, मालूम चलेगा भी कैसे, जब आप बहुत सारे ग्रुप और चैनल को आप फॉलो करेंगे तो कैसे मालूम चलेगा। ये किसी बच्चे ने भेजा हुआ है, ये किसी ग्रुप का मैसेज है, इस पे देखिए किसी ने पूछा है कि मॉक जो है कहाँ से लिया जाए, तो यहाँ पे मेंशन है कि सिर्फ यही 2 ऐसे चैनल है ना जिनका जो है CUET PG के हिसाब से मॉक बनाया गया है, बाकी और किसी का जो है वर्थ इट नहीं है। तो जब आप इस तरह के ऑथेंटिक चैनल को आप जब ज्वाइन करेंगे, इस टाइप के आप ग्रुप को ज्वाइन करेंगे, इस टाइप के चैनल को आप जब फॉलो करेंगे, तो इस टाइप की आपको ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। इसी तरीके से आपका बहुत सारा टाइम वेस्ट हुआ एग्जाम डेट पोस्टपोन वाली वीडियो देख के। क्या एग्जाम डेट पोस्टपोन हुआ? जो 5 से 12 होना था 5 से 17 हुआ, हम लोगों ने इस पर कोई एक भी वीडियो नहीं बनाई, ठीक है। तो आप क्या करिए कि इस टाइप के जितने भी ग्रुप है ना और जितने भी इस टाइप के चैनल हैं, ठीक है, सबको आप ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ पे आपको एक्सपर्ट एडवाइस मिलता रहेगा। एंड नेक्स्ट कुछ इन्फॉर्मेशन और है, 2-3 इन्फॉर्मेशन। पहली चीज ये कि ये जो है CUET MBA अभी फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम था, ये अभी सेकेंड शिफ्ट भी होना है, और जिनका भी अभी एडमिट कार्ड नहीं आया उनका एग्जाम 21 से 23 जून के बीच में हो जाएगा, और जिनका एग्जाम छूट गया है और आपका एग्जाम सेंटर जो है 300 किलोमीटर प्लस था, ठीक है, चांसेस हैं कि इसी के आसपास जो है 25 के आसपास जो है आपका भी एग्जाम जो है इसी सेकेंड शिफ्ट में हो जाए। बहुत सारे डिपार्टमेंट में जो है पर्सनली हमने भी मेल किया हुआ है एंड बहुत सारे लोगों से जो है मिला भी जा रहा है, तो कोशिश ये है कि जिनका भी एग्जाम छूट गया, बहुत सारे बच्चों का एग्जाम छूट गया है, चांसेस हैं कि सेकेंड शिफ्ट में जो है आपका हो, ठीक है, अभी 1 से 2 दिन के अंदर ये कन्फर्म हो जाएगा, ठीक है ना। जहाँ जहाँ हो सकता था हर जगह बात की जा रही है। एंड नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन कट ऑफ को लेके, तो देखिए अभी कट ऑफ को लेके अभी कोई वीडियो नहीं आएगी क्योंकि अभी सेकेंड शिफ्ट का एग्जाम हो जाने दीजिए, ठीक है, क्योंकि फिर जब 2 शिफ्ट के जब पेपर हो जाएंगे ना फिर उसमें नॉर्मलाइजेशन भी होगा, तो इसके रिगार्डिंग बाद में अपडेट करेंगे। एंड एक और वीडियो आएगी रिगार्डिंग पेपर, ठीक है, कि किस टाइप का पेपर था, किस किस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे गए थे, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे, तो इसकी एक डिटेल वीडियो आएगी, ठीक है, तो जिनका सेकेंड शिफ्ट में है उनके लिए हेल्पफुल होगा थोड़ा बहुत। एंड काउंसलिंग प्रोसेस कैसे होगा, कौन कौन से टॉप कॉलेजेस होंगे, उनकी क्या कट ऑफ होगी, ये सब जो है नेक्स्ट वीडियो में आपको अपडेट किया जाएगा। तो जैसे ही कुछ और ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन आता है रिगार्डिंग सेकेंड शिफ्ट के एग्जाम को लेके, तो डिस्क्रिप्शन में हमने एक टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, उसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा, उस पर भी आपको इन्फॉर्मेशन मालूम चल जाएगी, और एक यूट्यूब वीडियो भी आ जाएगी उस पर भी मालूम चल जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो जो है डिटेल एक पेपर पैटर्न क्या था एक बार, ठीक है, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे इस पे करते हैं, एंड उसके बाद जो है अदर डिटेल डिस्कस करते हैं, ठीक है।